अपने गांव से मालीपुरा से गैस एजेंसी से गैस भरवा कर आ रहे थे, तभी अचानक कार और मोटरसाइकिल के आपस में भिड़ंत हो गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हो गई, जिसमें कार चालक ने अपने 7-8 लोग बुलाकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के दोनों भाई में हॉकी से डंडों से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों भाई को लाठी डंडे से मार मार कर दोनों भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में दोनों भाई उपचार के लिए डींग अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन एक मोहन भाई की हालत गंभीर होने के कारण रेफर भरतपुर से किया गया। भरतपुर से जयपुर भी उसे रेफर किया गया, SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहन सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोहन सिंह का SMS हॉस्पिटल जयपुर में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। करने चले जा रही है तुमसे, तो उसने गाड़ी रोक के नहीं आया, रोक के उसने माँ बहन की खूब गालियाँ दी और हाथापाई करने लगा, मारपीट की। तो वहाँ पर एकत्रित भीड़ ने हमको वहाँ से छुड़ा दिया। तो वहाँ पर छुड़ाने के बाद हम अपने काम से चले गए अपनी रिफिल कटाने के लिए, सिलेंडर की रिफिल कटा कर आ रहे थे। तो वहाँ पर महलों के पास हम दोनों को घेर लिया, हम दोनों भाइयों को। तो वहाँ से हम किस तरह बच के भाग गए, भाग के हम अपने गांव की तरफ आ रहे थे गोवर्धन गेट चुंगी मालीपुरा जाने के लिए। तो गोवर्धन गेट चुंगी पर हमें दोनों भाइयों घेर लिया, 7-8 लड़के थे वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले बाइक पे। तो उन्होंने हमारे साथ रोक के मारपीट की, कुल्हाड़ी मार दी, यहाँ पे भाई कुल्हाड़ी मार दी, मेरी चोट आई है सर पे, आइए भाई की चोट आई है, सीरियस कंडीशन, भाई की हालत गंभीर। फिर वहाँ से उठा के भीड़ ने हॉस्पिटल ले गए हमको, हॉस्पिटल ले जाकर हॉस्पिटल में से भरतपुर के लिए रेफर कर दिया, डीक से भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। तो भरतपुर जाकर मुझे तो वहीं रख लिया गया, तो भाई को